से कम नहीं है, वो देशद्रोही आपके इर्द गिर्द ही है, वो देशद्रोही। क्या आपने देखा है वो देशद्रोही? खबरदार, चलता रहा है देशद्रोही सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डॉन्ट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। तारीख थी 4 जनवरी 2013। एक नाबालिग लड़की का कत्ल हुआ था। वाक्या था कानपुर देहात का। बलात्कार के बाद मासूम की हत्या की गई थी। पुलिस ने वर्कआउट किया तो फिर कातिल और उस साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसे सुनकर हर कोई सन है। आप भी देखिए जरा। रिचा, क्या घटना हुई? कि हम और राहुल वहीं पे थे। बोलो। हम और राहुल वहीं पे थे, वो लड़की आई, उसके 10-15 मिनट बाद उसको मार दिया, गला दबा के, सबने मिल के मारा। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद खुद इकबालिया जुर्म कबूल किया जा रहा है। कत्ल की एक साजिश का खुलासा किया जा रहा है। कैसे वारदात अंजाम दी गई, हर बात उगली जा रही है। एक एक कर पुलिस का मेहमान बनने वाले ये आरोपी अपना बयान दे रहे हैं। चलिए इनकी करतूत आम की जाए। तारीख थी 4 जनवरी 2013। कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद के गांव सिमऊ मथाना की रहने वाली 16 साल की मनीषा नाम की इस नाबालिग की हत्या हुई। लड़की का शव एक खेत से बरामद किया गया। पुलिस ने कत्ल की गुत्थी सुलझाने की ठानी तो फिर एक के बाद एक कातिल और कत्ल की खौफनाक साजिश का खुलासा होता चला गया। लाडली की मौत से परिवार जार जार आंसू बहा रहा था। सदमा उन पर हावी था। शक जताया गया था कि बलात्कार के बाद लड़की की हत्या कर दी गई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। मामला प्रेम प्रसंग का था, आप खुद सुनिए जरा। आस्करण अभियुक्त है, इसका जो मृतका है उससे 2.5 साल से अफेयर चल रहा था। अब ऐसे संबंध भी थे इसके, और इसके बाद इसका जो अफेयर है दूसरी लड़की दीक्षा राणा से हो गया। जब दीक्षा राणा ने ये शर्त रखी कि हम आपके साथ तभी भाग सकते हैं जब आप इसको खत्म कर दें, रास्ते से हटा दें, चूंकि इसको सारी बात पता है। इसके बाद इन्होंने भूमिका बनाई। सुना क्या कहा एसओ साहब ने? मनीषा और अस्करण के बीच इश्क था, लेकिन महज एक धोखा। अस्करण मनीषा से अपनी हवस की भूख मिटा रहा था। दूसरी तरफ दीक्षा से भी प्यार की पींगे पड़ रहा था। दीक्षा और अस्करण शादी करना चाहते थे, लेकिन रोड़ा थी मनीषा। बस अस्करण, दीक्षा और इनके एक साथी ने मिलकर मनीषा की हत्या कर दी। सर, मारने के बाद मैं और जो दीक्षा राणा था सर अपने डर गए थे, घर चले गए अपने अपने। फिर अस्करण है ये डर की वजह से कि लड़की के घर वाला कोई पीछे से ना जाए, फिर इसने जो बॉडी थी उसको कहीं भी इसने किया उस पार्ट अपने, तो सुबह वो मिट्टी मिली वो बराम है, खेत पड़ता है वहाँ पे डाल दिया इसने के लिए ले जाकर शादी करने के लिए। जी हाँ, रोड़ा थी क्योंकि वो बात जान गई थी इन लोगों की, इन लोगों को डर था कहीं भागने के बाद वो बता। फिलहाल मनीषा के कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा कर हत्यारे दबोच लिए हैं। तीनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। लेकिन एक सवाल,
आखिर क्या है ये सब? क्यों इंसान सब कुछ भूलकर किसी के खून का प्यासा बन जाता है? सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात, समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। महकमे की करतूत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। औरैया की एक एसओजी टीम पर यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पर अपहरण और रंगदारी का केस दर्ज किया गया है और टीम निरस्त कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। नीली शर्ट में पुलिस के साथ खड़े इस शख्स पर जरा गौर फरमाइएगा। औरैया थाने में हाजिरी देने के लिए आया है। इस पर संगीन इल्जाम लगा है, माथे पर गुनहगार का थप्पा लगा है। पुलिस ने इसे अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ बुलाया है। अब मासूमियत के साथ आला अधिकारियों के पास अपना ही पक्ष रख रहा है। उस इल्जाम को झूठा साबित करने में लगा है जिसे अंजाम इसने अपनी टीम के साथ मिलकर दिया था। आप सोच रहे होंगे, बदमाशों से सख्ती से पेश आने वाली ये पुलिस आखिर इस शख्स के साथ इतने रहम के साथ क्यों पेश आ रही है? तो साहब, इनकी हकीकत अब आपके सामने है। ये साहब पुलिस के ही मुहाफिज हैं, एक ऐसे महकमे के प्रभारी हैं जिन पर आपराधिक वारदातों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी है। गुनहगारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना इनका पेशा है। जी हाँ, बिन वर्दी मासूमियत का लिबास ओढ़े तौफीक अहमद नाम का ये शख्स एसओजी प्रभारी है। अपनी टीम के साथ अपराधियों पर नकेल कसने की कसमें खाई थी, लेकिन कम वक्त में पैसे कमाने का लालच इस पर इस कदर सवार हुआ कि वो सारी कसमें भूल गया और निकल पड़ा उस राह पर जिसका आखिरी पड़ाव सलाखों के पीछे पहुंचकर ही खत्म होता है। एसओजी टीम इंचार्ज तौफीक की भी यही दास्तान है। अपनी टीम के साथ इसने कानून को ताक पर रखकर एक छात्र को अपहरण करने की साजिश रची, लेकिन कहते हैं सच्चाई को एक ना एक दिन सामने आना होता है। तौफीक के साथ भी यही हुआ। कानपुर के नवाबगंज थाने में एसओजी टीम के इंचार्ज तौफीक अहमद और सिपाही संजीव यादव पर मेडिकल स्टूडेंट के अपहरण और रंगदारी का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल तौफीक अपनी टीम के साथ लखनपुर इलाके में अजय नाम के युवक की तलाश में आया था, लेकिन अजय के नहीं मिलने पर तौफीक रूम पार्टनर नीरज यादव को गिरफ्तार कर ले गया। नीरज जो कि कानपुर के निजी डेंटल कॉलेज से बीडीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। अब दबंगई देखिए, वर्दी का सुरूर इन पर इस कदर चढ़ा कि उसने पहले तो उसे जमकर पीटा और फिर एटीएम और मोबाइल छीन लिया। यही नहीं, नीरज को छोड़ने के एवज में तौफीक ने उसके दोस्तों से 50,000 रुपए की डिमांड कर डाली, लेकिन छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी और इस छात्र शख्स को सबक सिखाने की ठान ली। कानपुर के नवाबगंज थाने में उन्होंने एसओजी टीम इंचार्ज और सिपाही के खिलाफ तहरीर दर्ज करवा दी। बहरहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तौफीक अहमद समेत उनकी टीम पर अपहरण और रंगदारी का मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों, किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी।
दिन भर पसीना बहाते हैं पर रात को सोचते हैं दो रोटी कम खा लें ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और NCR का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। 1 लाख का इनामी बदमाश लखनऊ में चढ़ा, STF के हत्थे। कई हत्याओं के मामले में बिहार पुलिस को थी आरोपी की तलाश, पिस्टल और 8 लाख रुपए बरामद। यूपी में बलात्कार की बढ़ती वारदातों के खिलाफ अमरोहा में 18 शिक्षिकाओं ने दिया इस्तीफा, SDM से लगाई सुरक्षा की गुहार। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने की यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, शिवपाल का जवाब, BSP सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं किए इंतजाम। नोएडा बलात्कार हत्या केस में बेनकाब हुई सियासत, लड़की के पिता का सनसनीखेज खुलासा, 2 साल पहले भी आरोपी ने किया था बलात्कार लेकिन BSP सरकार के दौरान पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्रवाई। यूपी में इंसाफ का मजाक, लखनऊ में गैंगरेप के 2 मामलों में 36 साल बाद भी पीड़ित परिवारों को इंसाफ का इंतजार, 3 दशक से चल रहे हैं केस। दिल्ली गैंगरेप केस में आज कोर्ट में हुई 5 आरोपियों की पेशी, पुलिस की मांग को अदालत ने किया मंजूर, अब बंद कमरे में होगी गैंगरेप केस की सुनवाई। इलाहाबाद में कुंभ मेले से 6 दिन पहले अगवा हुए बाबा परिपूर्णानंद का अब तक कोई सुराग नहीं, अपहरण का केस दर्ज कर पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक भीमलाल आर्य, बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। आसाराम बापू और शरद यादव के बयानों पर हंगामा, आसाराम ने दिल्ली गैंगरेप के लिए पीड़ित लड़की को भी ठहराया दोषी, शरद यादव ने लड़कों के लिए सेक्स को बताया जरूरी। और यूपी में ठंड का कहर जारी, बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिए सभी स्कूलों को 13 जनवरी तक बंद करने के आदेश, ठंड की वजह से 155 से ज्यादा लोग गवा चुके हैं जान। गैंगरेप की घिनौनी वारदात पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। इस कड़ी में एक और नाम जुड़ा, खुद को धर्म गुरु कहलाने वाले आशाराम बापू का। दिल्ली में सबसे घिनौनी दरिंदगी का शिकार लड़की 13 दिनों तक लड़ती रही और फिर मौत से हार गई, लेकिन आशाराम बापू को लगता है कि इतनी खौफनाक वारदात की वजह सिर्फ वो 6 लोग नहीं थे। वो कहते हैं कि ऐसी वारदात में गलती दोनों तरफ की होती है। आशाराम बापू ने कहा कि इस घटना में सिर्फ 5-6 लोग ही दोषी नहीं है, बलात्कारियों के साथ साथ पीड़िता भी दोषी है। उसे दोषियों को भाई कहकर संबोधित करते हुए उनसे ऐसे घृणित कार्य ना करने का अनुरोध करना चाहिए, इससे उसकी जान और इज्जत दोनों बच जाती। अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सारस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं, अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे,
भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तुम्हें भाई मानती हूँ। दो को बोलती, भैया मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो।